अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो चलिए आज देखते हैं मांदेली फ्राई कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मांदेली को साफ़ कर लेना है। वीडियो में दिखाए गए तरीके से आपको फ़िश को साफ़ कर लेना है। बहुत ही इजी और आसान तरीका होता है इसको साफ़ करने का, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत भी नहीं है। और ये जितनी खाने में टेस्टी है बनाने में भी उतनी ही आसान होती है। आप इसको दाल राइस के साथ भी खा सकते हैं। कुछ लोग इसका सालन बनाते हैं, लेकिन आज हम इसे फ्राई कर लेंगे। तो देखिए किस तरह से हमें नाइफ़ की मदद से इसको साफ़ कर लेना है। उसके बाद अंदर जो भी गंदगी होती है उसको साफ़ कर लेंगे और फिर टैप वाटर की मदद से पूरी तरह से मछली को अंदर से साफ़ कर लेंगे। तो एक एक करके इसी तरह से सारी मछलियों को साफ़ करके आगे की प्रोसेस करेंगे। उसके बाद हमें देखना है ये अच्छी तरह से क्लीन हो चुकी है। बीच में से भी आप देख सकते हैं कि अंदर का हिस्सा भी पूरा साफ़ हो चुका है। अब हम इसकी आगे की तैयारी करेंगे कि हमें इसे किस तरह से फ्राई करना है। बीच का हिस्सा देखिए आप किस तरह से साफ़ हो चुका है। तो एक प्लेट में सारी फिश निकाल लेंगे। नमक, लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर लेकर इसको थोड़ा सा पानी लेकर मसाला बना लेंगे। अब इस मसाले में मछली को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो नींबू भी ऐड कर सकते हैं, जिसको जैसा पसंद है वैसा मसाला आप लगा सकते हैं। अब इसे कम से कम आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए छोड़ दें, क्योंकि हम फ्राई करने से पहले मछली को मैरिनेट कर लेते ताकि उसका टेस्ट अच्छा आ जाए। अब मैरिनेट हो चुकी है। अब हम एक प्लेट में बेसन का आटा, चने का आटा लेंगे और उसमें दोनों तरफ से फ़िश को कोट कर लेंगे। एक पैन में तेल गरम कर लेंगे। ज़्यादा फास्ट फ्लेम पर आपको फ्राई नहीं करना है, थोड़ा कम ही रखें। और पैन में एक एक करके फ़िश को फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारी तैयार हो गई है मंदेली फ्राई।